वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर में हम मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में और एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम में। बेसिक्स ऑफ एलिप्स समझेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास से हम डेरिवेशन स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एलिप्स इज अनदर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल को हम एक डायरेक्शन में इलोंगेट करें या स्ट्रेच करें तो उस रिजल्टिंग फिगर को हम एलिप्स कहते हैं। अब एलिप्स के लिए दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी दो एक्सेस, एक होती है मेजर एक्सेस, एक होती है माइनर एक्सेस। तो मैं स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले आपको एलिप्स की इक्वेशन बताना और उसके बाद उस इक्वेशन में मेजर और माइनर एक्सेस क्या है वो बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हमने एलिप्स समझा कि एलिप्स इज़ अ काइंड ऑफ एन इलोंगेटेड सर्कल। प्रॉपर डेफिनेशन एलिप्स की अगर आपको मैं बताने लगूँ तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। अभी के लिए आप ये समझिए कि जिस तरह सर्कल में हर पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट रेडियस होते हैं एलिप्स के, या दो डिफरेंट एक्सिस होती हैं एलिप्स की। एक होती है द लॉन्गर एक्सिस जिसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस को आर एक्स से डिनोट कर रखा है। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सिस लाई कर रही है एलिप्स की उसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं। और एक होती है वाई डायरेक्शन वाली एक्सिस जिसके हाफ को मैंने आर वाई से डिनोट कर रखा है और उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। सो जनरली सर्कल की इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और ये आपको ध्यान रखना है, अगेन ये उस एलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है या जीरो जीरो पे लाई करता है, ठीक है। ए इज सेम एज आर एक्स जो मैंने यहाँ पे हाफ मेजर एक्सिस डिनोट कर रखी है, और बी इज इक्वल टू आर ऑफ वाई, ठीक है, नॉट बी स्क्वायर नॉट ए स्क्वायर, A is equal to Rx and B is equal to Ry, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेजर एक्सिस x डायरेक्शन में लाए करती है जिसे हम 2 of A यानी twice of A से डिनोट करते हैं, या जनरली twice of Rx से डिनोट करते हैं। Rx मतलब रेडियस ऑफ द एलिप्स इन द x डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स A और B में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि A एक्स एक्सिस पे लाई करता है या बी एक्स एक्सिस पे लाई करता है। सो इसीलिए जेनरिक इजियर नोटेशन है टू ऑफ आर एक्स, यानी जो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला एलिप्स का रेडियस है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का उसे हम कहते हैं टू ऑफ आर एक्स और आर एक्स कहते हैं, और माइनर एक्सिस यानी टू बी इसे हम टू ऑफ आर वाई रेडियस इन द वाई डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस आएगी, और सेमी मेजर एक्सिस होगी इक्वल टू ए या फिर इक्वल टू आर एक्स, एंड सिमिलरली सेमी माइनर एक्सिस होगी इक्वल टू बी या इक्वल टू आर वाई, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और जो आर एक्स है इसकी जगह आप ए भी लिख सकते हैं, आर वाई की जगह आप बी भी लिख सकते हैं। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एलिप्स की इक्वेशन को लिखने का इजियर तरीका जो हम एक्चुअली थ्रू आउट यूज़ करेंगे वो होगा कुछ इस तरीके से, यानी इसी इक्वेशन को मैं एक डिफरेंट तरीके से लिख रही हूँ डिनोमिनेटर्स हटा के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसे भी अगर सिंप्लीफाई करें सारे टर्म्स को एक साइड ले आए। अब इस इक्वेशन में ही अगर मैं बी और ए की जगह आर वाई और आर एक्स लिखती हूँ सो वो फाइनल इक्वेशन एलिप्स की आएगी जो हम थ्रू आउट दिस एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, एलिप्स की ही इक्वेशन को हमने डिफरेंट तरीके से लिखा है। अगर आपको ए और बी नोटेशन कंफर्टेबल रहती है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली आपको बुक्स में आर एक्स और आर वाई के टर्म्स में मिलेंगी सारी इक्वेशंस, ठीक है। अब आते हैं सर्कल और एलिप्स में सिमिलैरिटी पे। सी हमने देखा था सर्कल एल्गोरिथम्स में, चाहे वो ब्रेसनहैम हो चाहे वो मिड पॉइंट हो, कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है तो तीन डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, मतलब अगर कोई भी पॉइंट को हम सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं तो तीन डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। या तो रिजल्ट आएगा जीरो या ग्रेटर दैन जीरो,
या लेस देन जीरो। एंड सिमिलरली अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं, उसको भी एलिप्स की इक्वेशन में रखने पे हमारे पास तीन कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आएंगे, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। और उसी के बेसिस पे हम यहाँ भी डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट पिक्सल कौन सा चूज करना है। और क्योंकि ये मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम है, हम मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम की तरह ही प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे भी हम एक मिड पॉइंट लेंगे, उसको एलिप्स की इक्वेशन में रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिजल्ट आ रहा है फाइनल एलिप्स की इक्वेशन में उस पॉइंट को रखने का, मिड पॉइंट को रखने का, उसके बेसिस पे हम चूज करेंगे कि नेक्स्ट पिक्सल कौन सा प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, सो ये तीनों केसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर जीरो रिजल्ट है तो जो भी पॉइंट स्पेशली हम मिड पॉइंट रखेंगे, तो मिड पॉइंट सर्कल की एलिप्स की बाउंड्री पे ही लाइक करेगा। अगर मिड पॉइंट को एलिप्स की इक्वेशन में रखने का रिजल्ट लेस देन जीरो आता है, मतलब मिड पॉइंट इनसाइड द एलिप्स लाइक कर रहा है, और अगर ग्रेटर देन जीरो आता है रिजल्ट, तो आउटसाइड लाइक कर रहा है एलिप्स के, जो मिड पॉइंट हमने रखा है एलिप्स की इक्वेशन में। ठीक है, अब ये तो थी सिमिलैरिटी ऑफ एलिप्स विद द सर्कल, लेकिन एक बहुत मेजर डिफरेंस जो आता है सर्कल और एलिप्स में, वो होता है सिमेट्रिसिटी में। सर्कल में एट वे सिमेट्री होती है, जो मैंने आपको समझाई थी, यानी हर ऑक्टेंट बाकी ऑक्टेंट्स के सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब अगर मैंने एक ऑक्टेंट सर्कल का प्लॉट कर लिया है, उसके पॉइंट्स डिटरमाइन कर लिए हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली एट वे सिमेट्री यूज करके मैं रिमेनिंग सेवन ऑक्टेंट्स के भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकती हूँ। लेकिन एलिप्स में ऐसी एट वे सिमेट्री नहीं होती। इसका मतलब जब आप एक एलिप्स प्लॉट कर रहे हैं, तो आपको एक पूरे क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ऑक्टेंट के पॉइंट्स को प्लॉट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विद इन अ क्वाड्रेंट, एलिप्स के हर क्वाड्रेंट में दो डिफरेंट तरीके के रीजन होते हैं, और उस रीजन में कैसे हमें प्रोसीड करना है, वो ये मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम बताता है। ठीक है, सो अभी जो मैंने आपको कहा, बस यही है कि सर्कल में हम सिर्फ एक ऑक्टेंट प्लॉट करते थे, जिससे हमें पूरा सर्कल मिल जाता था, लेकिन एलिप्स में हमें एक पूरा क्वाड्रेंट प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि एलिप्स के चारों क्वाड्रेंट सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन ऑक्टेंट्स आपस में सिमेट्रिक नहीं होते। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, हम क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स एक तरीके से नहीं प्लॉट कर सकते। हर क्वाड्रेंट दो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होता है, यानी हर क्वाड्रेंट में जो दो ऑक्टेंट्स होंगे, उनको प्लॉट करने के दो डिफरेंट तरीके होंगे। ठीक है, तो सेम क्वाड्रेंट में लाए करने वाले दो डिफरेंट ऑक्टेंट्स को हम दो सेपरेट तरीके से प्लॉट करेंगे, और ये सबसे मेजर डिफिकल्टी है मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम की। ये एक फैक्ट है जो इस एल्गोरिथम को डिफिकल्ट बनाता है एज कम्पेयर टू मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, हर हाइट्रेशन में हम मिड पॉइंट को एलिप्स की इक्वेशन में रख के देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आई है, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। लेकिन क्योंकि हर क्वाड्रेंट में दो डिफरेंट रीजन्स है, उन दोनों रीजन्स को प्लॉट करने का तरीका अलग है, जो कि मैं आपको आगे डेरिवेशन में समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, मेजर डिफरेंस सर्कल और एलिप्स में यही है। सर्कल में एट वे सिमेट्री होती है, एलिप्स में फोर वे सिमेट्री होती है। और सर्कल में हमें पूरे सर्कल को प्लॉट करने के लिए सिर्फ एक ऑक्टेंट को प्लॉट करने की ज़रूरत होती है, जबकि एलिप्स में पूरे एलिप्स को प्लॉट करने के लिए हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑक्टेंट्स, यानी एक कंप्लीट क्वाड्रेंट को प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ती है। तभी हम उस क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को सिमेट्रिसिटी यूज़ करके बाकी रीजन्स में रिफ्लेक्ट करके पूरा एलिप्स ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, सो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं सर्कल और एलिप्स के। और हर एलिप्स का क्वाड्रेंट कैसे दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है, वो भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। डिटेल्स इसकी मैं अपकमिंग लेक्चर में आपको दूंगी। सी, अगर ये एक एलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हर क्वाड्रेंट दो रीजन में डिवाइडेड होता है। ये है रीजन वन और से ये है रीजन टू। सो जो पहला रीजन है,
इसमें आपका कर्व का जो स्लोप होगा वो लेस देन माइनस वन होगा, ठीक है, और सेकेंड रीजन में जो कर्व का स्लोप होगा वो ग्रेटर देन माइनस वन होता है। अब अगर कर्व का स्लोप लेस देन माइनस वन है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वाड, इस पर्टिकुलर ऑक्टेंट के पॉइंट्स को प्लॉट करते वक्त हम एक्स को यूनिट इंक्रीमेंट करेंगे और वाई को डिक्रीमेंट करना है या नहीं वो हम डिटरमाइन करेंगे। लेकिन क्योंकि सेकेंड रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही सेकेंड रीजन का कर्व का स्लोप ग्रेटर देन माइनस वन है, इस डायरेक्शन, इस केस में यानी इस रीजन में हम वाई डायरेक्शन में यूनिट डिक्रीमेंट करते हैं हर स्टेप पे, और एक्स में क्या इंक्रीमेंट करना है या नहीं वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंसेस हैं कर्व एलिप्स के और सर्कल के, और कैसे उनके प्लॉटिंग डिफरेंट होती है इवन दो वो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं मिड पॉइंट ड्रॉइंग एल्गोरिथम का। दोनों में ही मिड पॉइंट हम चूज़ करेंगे, कोई अगर एक पॉइंट हमने चूज़ कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। इस पर्टिकुलर रीजन की अभी मैं बात कर रही हूँ, अगर मैंने ये पॉइंट चूज़ करा है तो नेक्स्ट पॉइंट के ऑप्शंस मेरे पास या तो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है। लेकिन रीजन टू में अगर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ चूज़ किया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो दो चॉइसेस होती हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल वे में, एक तो ये और एक ये, यानी क्या वाई को डिक्रीमेंट करते हुए मुझे एक्स को सेम रखना है या फिर एक्स को इंक्रीमेंट करना है वाई को डिक्रीमेंट करने के बाद। और यहाँ पे क्या चॉइसेस होती हैं कि एक्स को एक स्टेप तो इंक्रीमेंट करना ही है पर वाई को डिक्रीमेंट करना है या नहीं, ठीक है। सो ये चीज़, इसकी डेरिवेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। आई होप आज वाले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं एलिप्स ड्राइंग के, और ये नहीं समझ आए तो हो सकता है आप आगे की डेरिवेशंस में कहीं ना कहीं अटक जाएं, क्योंकि वो डेरिवेशंस थोड़ी लेंदी हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, दो पार्ट्स में हमें करनी पड़ेगी वो डेरिवेशन। एक तो फर्स्ट रीजन की डेरिवेशन अलग, उसके लिए डिसीजन पैरामीटर्स हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, और फिर सेकेंड रीजन के डिसीजन पैरामीटर्स अलग से कैलकुलेट होंगे, और फिर कंप्लीट एल्गोरिथम मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में मैं पूरा ये एल्गोरिथम कवर करूंगी। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप हमें मेंशन कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी सब्जेक्ट रिलेटेड मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mail.easy.engineering.classes@gmail.com। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, बिकॉज जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस अगर नहीं आएंगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कोई भी वीडियो मिस कर सकते हैं, एंड वी डू नॉट वॉन्ट दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, गुड लक।